कर दिया गया था। सेकंड आपके आए डोबेरिनियर ट्रेड, NER डोबेरिनियर ट्रेड ने क्या किया, आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, थ्री थ्री एलिमेंट्स के। डोबेरिनियर अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स having similar physical and chemical properties in such a way that atomic mass of middle one ya middle element is the mean of other two. Example dekhte hain beta iska. For example Li Na K, आपको पता है Li क्या होता है, लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा 7, पोटेशियम का कितना है 39, तो बीच में एवरेज आएगा 7 प्लस 39 बाय 2 दैट इज 46 बाय 2 23, तो बिल्कुल करेक्ट था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये करेक्शन हर जगह नहीं थी, मतलब कुछ जगह पर जो एटॉमिक मास उन्होंने अरेंज किया था वो कुछ जगह पर क्या आ रहा था, अलग आ रहा था, थोड़ा चेंज आ रहा था। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड ट्रायड लेते हैं हम। एग्जांपल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 35.5 आयोडीन आपको पता है 127, तो 35.5 प्लस 127 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 81.25। बट एटॉमिक मास ऑफ Br इज इक्वल टू कितना होता है 80 होता है, आया कितना है 81.25, तो यहाँ थोड़ी बहुत क्या थी, गलत भी आ रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यही इसकी लिमिटेशंस हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम जो हमने फेस की। नंबर वन, ऑल द नॉन एलिमेंट्स could not be arranged as triads. Triads के अंदर जितने भी elements थे वो सभी के सभी arrange नहीं हो पाए थे। And third one, sorry, the limitation is second one, second limitation की अगर हम बात करें तो आपको साफ दिख रहा है, क्या कहोगे, the atomic mass was approximately same, not exact in each case. कुछ केसेस में
जो एटॉमिक मास आ रहा था वो थोड़ा बहुत अलग आ रहा था, बिल्कुल सेम नहीं आ रहा था. तो दीज आर टू लिमिटेशंस जो आपकी किसकी डोबर्नियर ट्राइड्स की रही थी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज थर्ड आपके आए हैं